मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका सिक्स क्लास में स्वागत है। तो आज यानी कि मैं आपको सिक्स क्लास में क्या करवाऊंगी, लेसन वन हिंदी में। कौन सी हिंदी में? हिंदी व्याकरण में लेसन वन। जो बच्चों की वीडियो जो है पहले हमने भेजी थी वो मिस हो गई थी या नहीं किया था, तो वो सभी बच्चे जो हैं अब अपना लेसन वन कंप्लीट करेंगे और जो है बेटा इसको समझेंगे। तो आज यानी कि कितने डेट को 12 सितंबर जो है सिक्स क्लास में सब्जेक्ट आपका हिंदी लेसन वन भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो आज जो है हम आपको बताएंगे भाषा और व्याकरण के बारे में। तो आपकी जो है ये सिक्स क्लास में आरोही हिंदी व्याकरण की बुक है, इसमें आपका जो है ये लेसन वन भाषा और व्याकरण। तो इसकी जो है पहले मैं आपको डिटेल्स बताना चाहूँगी। तो चाहे बेटा इसमें भाषा और व्याकरण में है, चाहे एक छोटा बच्चा है, शिशु है, या उससे थोड़ा बड़ा है, या वयस्क है, जवान है या बूढ़ा है, सभी को अपने विचार व्यक्त करने का जो है एक स्वतंत्रता है कि वो अपने विचारों को जो है प्रकट कर सकता है, यानी कि एक दूसरे के समक्ष जो है वो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। आपने देखा होगा कि छोटा शिशु जो छोटा बच्चा होता है तो जब उसको भूख लगती है तो उसको बोलना तो आता नहीं, तो वो रोने लगता है, यानी कि अपने भाव को आपके समक्ष जो है प्रदान करता है, यानी कि रोकर वो जो है आपको ये बताना चाहता है कि मैं भूखा हो गया हूँ। जैसे जो है थोड़ा बड़ा बच्चा होने लगता है तो वो आपको जो है क्या बताता है, शब्दों के माध्यम से जो है आपको अपनी भाषा अपने विचार जो है व्यक्त करने लगता है कि मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, यानी कि दूध 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 मम मम मम। तो इस तरीके से जो है वो शब्दों का जो है प्रयोग करने लगता है। जैसे ही जैसे वो बड़ा होता जाता है तो अपने विचारों को जो है वो प्रकट करने लगता है, अपनी चॉइस रखने लगता है कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ये करना है। तो जैसे 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 बूढ़ा होता है तो वो भी जो है एक बच्चे का रूप धारण हो जाता है बुजुर्ग का, उसके भी भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाएं जागृत होती है, यानी कि वो अपने विचारों को जो है आपको आपके समक्ष प्रकट करता है। तो भाषा का आदान प्रदान करना या अपने विचारों को जो है एक दूसरों के समक्ष बोलना प्रकट करना या लिखना जो है हमारा कौन सा माध्यम है, भाषा का। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे विचार जो है प्रकट कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपका क्वेश्चन आता है कि भाषा जो है किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। आपके सामने जो है क्वेश्चन आएगा, मान लिए ये नहीं आया कि भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा से क्या तात्पर्य है। मैडम ने जो है पेपर में दे
भाषा कहते हैं। थर्ड आपका जैसे इसके उदाहरण है अध्यापक द्वारा पढ़ाना, मोबाइल पर बात करना, फोन द्वारा बात करना, तो ये कौन से नाम हमारे मौखिक भाषा है। न्यूज देखना, आप समाचार सुनना, टीवी पर समाचार सुनना, नाटक देखना, तो ये कौन सी भाषा का प्रयोग है, ये हमारी मौखिक भाषा का ही प्रयोग है सारे। फिर आपका आता है सांकेतिक भाषा, कौन सी आती है सांकेतिक भाषा। तो हमारे सामने बेटा ये क्वेश्चन होता है कि सांकेतिक क्या है, सांकेतिक से क्या समझते हैं, सांकेतिक कौन सी भाषा है। आप सभी जानते हैं, सभी को पता है जो ये भाषा जो होती है सांकेतिक भाषा, ये मुख प्राणी के लिए होती है जो संवेदनशील तो होते हैं लेकिन मुख प्राणी होते हैं, मुख मीन्स गूंगे, जो बोल नहीं सकते, जो अपने भाव को आदान प्रदान बोलकर या लिखकर नहीं कर सकते, ये उनके लिए भाषा होती है। कौन सी? सांकेतिक भाषा। कि जैसे मुख प्राणी जो है इशारा करता है कि ये पैर मेरा है, ऐसे ही करते ना मुख प्राणी, ये पुस्तक मेरी है, तो ऐसे जो है जो संवेदनशील तो होते हैं लेकिन मुख प्राणी होते हैं, ये भाषा जो है उनके लिए प्रयोग में लाई जाती है। कौन सी? सांकेतिक भाषा। फिर इसमें आता है आपका आगे क्वेश्चंस कि भाषा के कितने अंग हैं, भाषा के कितने अंग हैं। तो भाषा के इसमें बेटा तीन अंग बताए गए हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, यानी कि ये तीन अंग ही इसमें भाषा के बताए गए। वर्ण के अंतर्गत क्या आता है? अ, आ, क्र, ख, वर्ण तो हो गई ही, स्वर और व्यंजन आते हैं इसके अंतर्गत। वर्ण के अंतर्गत जो आते हैं बेटा क्या आते हैं? स्वर और व्यंजन आते हैं। और स्वर और व्यंजन के सार्थक समूह को, सार्थक जो समूह होता है वर्णों का, सार्थक समूह जो होता है उससे क्या बनता है हमारा? शब्द बनता है। जैसे कोमल, को, म और ल, कोमल। तो ये किसी भी ना, यानी कि वर्णों के सार्थक, यानी कि सही रूप से सार्थक, यानी कि सही, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर कमल, कमल, तो ये सही हो गया ना शब्द, जिसका अर्थ होता है, जिन शब्दों का अर्थ होता है वो सार्थक होते हैं। और जिन शब्दों का बेटा अर्थ नहीं होता तो वो क्या होते हैं? निरर्थक, मीन्स गलत होते हैं। लकम, लकम क्या होता है? इसका कोई अर्थ ही नहीं है, शब्द तो बन गया लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ढूंढ है, गलत है, निरर्थक है। निरर्थक मीन्स गलत है। शब्दों के, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। फिर थर्ड आता है आपका कि वाक्य किसे कहते हैं। देखो चैन चल रही है, स्वर और व्यंजन से हमारा क्या बना? वर्ण। और वर्णों के सार्थक समूह से हमारा क्या बना बेटा? शब्द। जैसे हमारा शब्द बन गया कोमल, कमल, क्लियर। तो शब्दों के सार्थक समूह, जैसे शब्दों का हमने सही रूप लिख दिया और बहुत सारे शब्द लिख दिए हैं, तो उससे किसका रूप बनेगा? वाक्य का रूप बन जाएगा। यानी कि जैसे लिखा है यहाँ पर गाय घास खाती है, तो ये शब्दों का हमारा कौन सा रूप हो गया? सार्थक रूप हो गया। सार्थक में सही रूप, यानी कि ये हमारा वाक्य बन गया है, गाय घास खाती है, तो ये हमारा वाक्य यानी कि सार्थक है। अगर इसकी जगह हम लिख देते कि गाय घास पीती है, गाय घास पीती है, गाय घास पीती थोड़ी ना है, पीना मतलब पानी फूट जाना, खाना उसको निगलना, तो गाय घास खाती है, पीती नहीं है। अगर हम पीती लिखते तो ये निरर्थक
रद्द हो जाता। तो अभी जो है मैंने आपको बताया क्या कि भाषा किसे कहते हैं, शुरू में जो है बच्चा वहाँ से क्या सीखता है, अपने परिवार से, अपने घर से क्या सीखता है, उसे हम जो है मातृभाषा कहते हैं, जो कि अपने परिवार से सीखता है। भाषा के तीन प्रकार होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। फिर मैंने आपको बताया कि भाषा के जो है कितने अंग होते हैं, जैसे वर्ण, शब्द और वाक्य, इनकी जो है डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। तो ये जो है बेटा उतार लें, अभी मैं आई। अनेक भाषाएं प्रचलित हैं जो बोली जाती है, लेकिन
हमारी जो हिंदी भाषा है उसको राष्ट्र ने यानी कि संविधान ने एक राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है। और ये कब दिया है? 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर 1949 यानी कि 1949 को जो है हिंदी हमारी भाषा है इसको संविधान के द्वारा राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। तो यानी कि हमारे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, फ्रेंच, जर्मन, गुजराती, कन्नड़ आदि, ये जो है हमारे विश्व में बोली जाती है। हमारे देश भारत में जो है संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी में हिंदी जो है उनमें से एक है। हिंदी भाषा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों में जो है प्रचलित है, बोली जाती है। भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता प्रदान की है। भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता प्रदान की है। और ये मैंने आपको बताया कब राष्ट्रभाषा उसको पारित किया गया संविधान ने 14 सितंबर यानी कि 2 दिन बाद। आपको याद आना चाहिए कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला था 14 सितंबर को। तो ये मैंने आपको बताया राष्ट्रभाषा कौन सी है, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है और जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा का कब जो है संविधान ने इसको पारित किया था, इसको मान्यता प्राप्त की थी। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है लिपि। कौन सा? लिपि। तो हमारे समक्ष बेटा सामने क्वेश्चन उभरता है कि लिपि किसे कहते हैं। भाषा को लिखने की विधि ढंग को लिपि कहते हैं। जब हम भाषा लिखते हैं और उसमें मात्राएं का प्रयोग होता है, साधारण भाषा में मैं आपको बताना चाहती हूँ लिखने के ढंग की विधि। अगर हम कह कह लिखेंगे, उनको जोड़ देंगे तो कमल हो जाएगा, तो हमें उसमें मात्राओं का प्रयोग करेंगे उसके लिखने के, तो कोमल, तो वो हमारी लिपि कहलाती है बेटा। तो हिंदी, संस्कृत और नेपाली मराठी भाषाओं की लिपि जो है कौन सी है? देवनागरी लिपि है। कौन सी है? देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की रोमन, पंजाबी की गुरमुखी व उर्दू और अरबी की कौन सी है लिपि? फारसी। कौन सी है? फारसी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया लिपि के बारे में। अब देखिए कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण हमारे सामने टॉपिक आता है कि व्याकरण किसे कहते हैं। भाषा को शुद्ध तथा व्यवस्थित रूप से लिखना व बोलना सीखना व्याकरण कहलाता है। व्याकरण जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पता है? व्याकरण जो है बेटा 2 शब्दों से मिलकर बना है। वी प्लस आकरण, वी प्लस आकरण, व्याकरण, व्याकरण। यानी कि वी का अर्थ होता है विशेष रूप, वी से तात्पर्य यानी कि विशेष रूप, और आकरण का जो होता है शुद्ध करना, वी विशेष रूप और आकरण यानी के शुद्ध करना व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोलने लिखने के नियमों का ज्ञान होता है, बोलने लिखने के नियमों का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं।
व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि अगर व्याकरण नहीं होगा तो किसी भी भाषा का जो है हमें समुचित मीन्स पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। भाषा को सीखने के लिए उनके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अतः व्याकरण में जो है वर्णों, शब्दों और वाक्यों का विचार किया जाता है। अब आता है हमारे सामने क्वेश्चन कि इस प्रकार के जो है चार भाग किए जा सकते हैं। किसके? व्याकरण के चार भाग होते हैं। सबसे पहले वर्ण विचार, सेकेंड शब्द विचार, थर्ड वाक्य विचार और एक इसमें आपकी बुक में नहीं है, रूप विचार। ठीक है, तो आज जो है आप इनको समझेंगे कि वर्ण विचार में क्या होता है, शब्द विचार में क्या होता है और वाक्य विचार में क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा है आपका वाक्य वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णों के प्रकार, आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन वर्ण विचार के अंतर्गत किया जाता है। समझ आया क्या क्या होता है वर्ण विचार के अंतर्गत? वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन वर्ण विचार के अंतर्गत किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत क्या आता है? शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन, अर्थ आदि का जो है अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत ही आता है या किया जाता है। ठीक है ना? तो पहले क्या बताया? वर्ण विचार। सेकंड क्या बताया मैंने? शब्द। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन, शब्द का क्या अर्थ है, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत ही होता है। फिर आपका वाक्य विचार। वाक्य के भेद, वाक्य का गठन, पदों के पारस्परिक संबंध आदि का जो है अध्ययन वाक्य विचार के अंतर्गत किया जाता है। वाक्य के भेद, वाक्य का गठन, पदों के पारस्परिक संबंध आदि का अध्ययन वाक्य के अंतर्गत ही किया जाता है। तो आज मैंने बेटा आपको बताया कि जो है बच्चा जब सीखता है, मनुष्य चाहे वह बालक हो या वयस्क हो, सभी को अपने भाव और विचार व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। जब छोटा बच्चा होता है वो रोकर बताता है भूखा हो गया है, इसी प्रकार जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वह इशारा करके अपनी बात को समझाता है तथा और अधिक बड़ा होने पर वह शब्दों के द्वारा अपनी बातें समझाना आरंभ कर देता है। इसी प्रकार जब यह स्पष्ट है कि विचारों को स्पष्ट करने व समझने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, वो माध्यम हमारा क्या होता है? भाषा। तो ये एक्टिविटी भी इसके अंतर्गत आप कर सकते हैं। वैसे भाषा की जो है मेन डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि लिखित भाषा, लिखित की डेफिनेशन बताई थी ना आपको, परिभाषा यानी कि उसके उदाहरण भी मैंने आपको दिए हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा के उदाहरण दिए हैं। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? सांकेतिक भाषा के भी आपके समक्ष मैंने उदाहरण रखे हैं। फिर मैंने
भाषा के कितने अंक होते हैं? भाषा के जो है वर्ण ए आ के खे, ये जो है वर्ण होते हैं हमारे, आपको भी पता है इसमें वर्णों में क्या आते हैं, हमारे स्वर और व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं? यानी कि स्वर और व्यंजन इसमें आते हैं। और शब्द में जैसे वर्णों के सार्थक समूह यानी कि जो सही रूप होता है उसे हम शब्द कहते हैं। वाक्य यानी कि वाक्य जो है शब्दों का सार्थक समूह, सार्थक में सही, निरर्थक यानी कि गलत हो जाता है। तो ये डिटेल्स मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। तो सभी जो है बच्चे सिक्स क्लास के जिन्होंने लेसन वन किया है, नहीं किया है, सभी बच्चे जो हैं इस वीडियो को अवश्य देखें। हम जो है एक आपकी दोहराई यानी स्टार्टिंग से करा दें। तो आज के लिए सिक्स क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे।